हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस एंड क्लाइमेट कंट्रोल इनसाइड ग्रीन हाउस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है ग्रीन हाउस जनरली एक ऐसी फ्रेम्ड या फिर इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसको किसी भी ट्रांसपेरेंट या ट्रांस मटीरियल से कवर किया गया होता है जिससे कि उस स्ट्रक्चर के अंदर का जो इंटरनल एन्वायरमेंट है उसको पार्शली या फिर फुली कंट्रोल किया जा सके जिससे कि क्रॉप्स को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्राप्त हो जिससे फार्मर मैक्सिमम इल्ड गेन कर सके तो ग्रीन हाउस इज अ फ्रेम्ड और एन इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांस मटेरियल इन विच क्रॉप्स कुड बी ग्रोन अंडर द कंडीशंस ऑफ एटलीस्ट पार्शियली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड विच इज लार्ज इनफ टू परमिट पर्सन टू वर्क विद इन इट टू कैरी आउट कल्चरल ऑपरेशन और उसमें इतना इतने उसमें प्लेस या फिर इतना स्पेस होना चाहिए कि कोई पर्सन जो है वो उसमें कल्चरल ऑपरेशन को ईजिली कर सके एक्चुअल में प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउसेस का बहुत ज़्यादा रोल है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर का मीन्स है कि ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें कि हम एनवामेंट को प्रोटेक्ट एनवामेंट को कंट्रोल कर लेते हैं जिससे कि जो क्रॉप्स हैं उनको हम एक्सटर्नल एनवामेंटिंग कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं जैसे हाई टेम्परेचर हो गया हाई रेनफॉल हो गया या फिर हाई या लो ह्यूमिडिटी हो गई तो ये जो बाहरी एनवामेंट है उसको पार्शियली कंट्रोल कर लिया जाता है एक्चुअल में प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की जो स्टार्टिंग है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब पोली इथाइलिन का इंट्रोडक्शन हुआ था तब से प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन या प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जो है वो चर्चा में आया नाइनटीन के बाद में इसे प्रिसाइसली हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए और टेम्परेचर को जनरली हम ग्रीन हाउस के अंतर्गत दो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं एक तो ह्यूमिडिटी और दूसरा टेम्परेचर तो 1960 के बाद में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखी जाने लगी क्योंकि हमें ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स या जो ऑफ सीजन क्रॉप्स होती हैं उनका कल्टिवेशन भी करना होता है जनरली ग्रीन हाउस का यूज़ हम ऑफ सीज़न क्रॉप्स को कल्टिवेशन करने के लिए ही यूज़ करते हैं क्योंकि ऑफ सीज़न में सपोज कोई क्रॉप जो है वो खरीफ क्रॉप है उसको हमें रबी सीज़न में लगाना है पर रबी जो खरीफ क्रॉप है वो रबी सीज़न के इतने कम टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगी इसलिए हमें उस टेम्परेचर को खरीफ वाले टेम्परेचर के जितना कंट्रोल करना है तो इस टाइप से जो ग्रीन हाउस होता है उसमें डिफरेंट टाइप के कूलिंग पैड या फिर हीटिंग पैड लगा के टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है ग्रीन हाउस जो है वो मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है ताकि हम प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम अचीव कर सकते हैं ग्रीन हाउसेस के क्या टाइप्स हैं तो ग्रीन हाउसेस के डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं पर इन टाइप्स में से कौन सा टाइप सबसे बेटर होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हर एक टाइप की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है अपना अलग अलग एक एडवांटेज है जो कि डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स की डिफरेंट स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट करता है ग्रीन हाउसेस डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन शेप शेप के आधार पर ग्रीन हाउसेस को जनरली सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज लेन टू टाइप ग्रीन हाउस सेकेंड वन इज इवन स्पान टाइप ग्रीन हाउस थर्ड वन इज अन इवन स्पान टाइप ग्रीन हाउस वन इज टाइप हाउस हाउस एंड लास्ट वन इज टाइप ग्रीन हाउस फर्स्ट आता है टू टाइप ग्रीन हाउस जैसा कि इमेज में दिखाया गया है जब हम किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की दीवार से सटाकर या फिर उससे लगकर जब कि कोई ग्रीन हाउस हम लगाते हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से उसको जो सपोर्ट मिल रहा है जनरली ये बिल्डिंग जो है ये घर की छत या फिर घर की जो बिल्डिंग है वो हो सकती है तब हम इस टाइप के ग्रीन हाउस को बोलेंगे लीन टू टाइप ग्रीन हाउस ए लीन टू डिजाइन इज यूज वैन ए ग्रीन हाउस इज प्लेस्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग यूजली हम हाउस से अटैच करते हैं पर ये अदर बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं नेक्स्ट ग्रीन हाउस का टाइप आता है इवन स्पान टाइप ग्रीन हाउस इवन स्पान का मतलब है कि इसकी जो पिच और विर्थ होंगी दोनों डायरेक्शन से, से सेम होंगी इक्वल होंगी इसको जनरली हम ग्राउंड लेवल या फिर जहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होती एकदम समतल भूमि वाले जो इलाके होते हैं उन जगहों पर हम इवन स्पान टाइप के ग्रीन हाउसेस को लगाना प्रिफर करते हैं जिसकी जिसमें कि इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो पिच एंड वर्थ होती है वो इक्वल होती है नेक्स्ट टाइप आता है अन ईवन स्पान टाइप ग्रीन हाउसेस जिसमें जैसा कि इमेज में दिख रहा है इसमें जो पिच और वर्थ जो है वो इक्वल नहीं होती हैं और जनरली हम इसे उबड़ खाबड़ वाली ज़मीनों में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मतलब आ गया कि हिली रीजन जो हैं वहां पर हम मेनलीवन स्पान टाइप के ग्रीन हाउसेज को यूज करते हैं नेक्स्ट वन इज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस जिसमें कि दो ग्रीन हाउसेज स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आपस में उनके जो ईव है उनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो द डिज़ाइंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस टू और मोर ग्रीन हाउसेज कनेक्टेड टू वन अलॉन् सेनेक्ट कर दिया जाता है और उस टाइप के ग्रीन हाउसेस को बोलते रीज एंड फरोज में दिख रहा है एक जगह रीज बनती है और एक जगह फरो बन जाती है नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज सो टू टाइप ग्रीन हाउस जिसमें की ये भी सिमिलर होता है जैसा रीज एंड फरोप का ग्रीन हाउस होता है पर इसमें इतना डिफरेंस होता है कि इसमें नेचुरल वेंटिलेशन के लिए जगह होती है या उसमें स्पेसिफिक प्लेस होता है जिससे नेचुरल वेंटिलेशन आसानी से हो जाएगा बाकी ये रीजेंट फरो टाइप के ग्रीन हाउस के इसकी तरह ही सोटू टाइप के ग्रीन हाउस की स्ट्रक्चर भी होती है नेक्स्ट एंड लास्ट आता है क्विंसट ग्रीन हाउस जिसमें कि कवरिंग मटेरियल हम पोली poly, पोलीथाइलिन का यूज करते हैं क्विंसट टाइप के ग्रीन हाउसेज में और ये टिपिकली जो बाकी के सारे ग्रीन हाउसेज थे उनसे लेक्स एक्सपेंसिव होता है या फिर कम खर्चीला माना जाता है नेक्स्ट वन इज ग्रीन हाउस टाइप्स बेस्ड ऑन यूटिलिटी यूटिलिटी के बेसिस पे ग्रीन हाउसेज को जनरली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है फर्स्ट वन इज ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग एंड सेकेंड वन इज ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग एक्टिव हीटिंग का क्या मतलब है कि जैसे नाइट टाइम में टेम्परेचर जो है वो इन साइड में ग्रीन हाउस में डिक्रीज हो जाता है जैसे सर्दियों का टाइम आता है तो नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो उतने अधिक कोल्ड को नहीं सहन कर पाते हैं और प्लांट्स जो है वो डाई हो जाते हैं या फिर एक फ्रीजिंग पॉइंट उनमें आ जाता है तो इस चीज़ को या इतनी अत्यधिक कूलिंग से प्लांट्स को बचाने के लिए उसमें हीट जो ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो हीट प्रोवाइड की जाती है जिससे कि एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो सके या फिर उस नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग में हम डिफरेंट टाइप के हीटर्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसी कुछ मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्लांट्स को कुछ मात्रा में हीटिंग प्रोवाइड करें ताकि नॉर्मल कूलिंग टेम्परेचर से वो टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे या फिर कूलिंग टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर रहे इसी टाइप से नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग एक्टिव कूलिंग टाइप के ग्रीन हाउसेज में जब गर्मियों का टाइम होता है तो दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है जिससे कि क्रॉप की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है अत्यधिक टेम्परेचर के ऊपर जिससे कि हम कूलिंग पैड या फिर फैन या फोक कूलिंग का इस्तेमाल करके हम जो ग्रीन हाउस है उसको कूल कर सकते हैं जिससे कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर चलती रहे और मैक्सिमम इल्ड फार्मर को प्राप्त हो सके नेक्स्ट टाइप आता है ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे तीन टाइप के ग्रीन हाउसेस होते हैं फर्स्ट वन इज़ वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर सेकेंड वन इज़ पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब कि ग्रीन हाउसेज जो हैं उनको कौन कौन से स्ट्रक्चर से बनाया गया है उस बेसिस पे ये तीनों टाइप्स हैं फर्स्ट वन इज़ वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब है कि लकड़ी के जो ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर है उसको जनरली एकदम सस्ती सी लकड़ी से बनाया गया है टिम्बर जो कि लोकली अवेलेबल हो जाती हैं पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती लेस एक्सपेंसिव होती हैं कुछ इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है जो टिम्बर ईजिली अवेलेबल होती है उन टिम्बर को यूज़ करके और उसके ऊपर एक कवरिंग मटीरियल लगा दिया जाता है और इस टाइप से जो ग्रीन हाउस बनता है उसे बोल देते हैं वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर ग्रीन हाउस सेकेंड आता है पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर पाइप फ्रेंड टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है जैसे कि यूज़ कर सकते हैं गेलवेनाइज आयरन पाइप एंड नेक्स्ट आता है ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर जनरली हम ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर्स को तभी यूज़ कर सकते हैं जब जो स्पान होता है ग्रीन हाउसेस का वो 15 मीटर से ज़्यादा का होगा तभी हम ट्रस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल स्टील और आयरन को एकदम से मिक्स करके और उसके बाद में यूज़ करना तो ये सब ट्रस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कवरिंग मटीरियल जो हमने स्ट्रक्चर ग्रीन हाउस की बनाई है जो हमने उसके लिए यूज किया है जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि कंस्ट्रक्शन हमने जिस टाइप से किया है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के बाद में कौन से कवरिंग मटेरियल को यूज़ किया जा रहा है उस बेसिस पे ग्रीन हाउसेस चार टाइप्स के हो सकते हैं फर्स्ट वन इज ग्लास ग्रीन हाउस सेकेंड वन इज प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस थर्ड वन इज रेजिट पैनल ग्रीन हाउस एंड फोर्थ वन इज शेडिंग नेट ग्लास ग्रीन हाउस पहले के ज़माने जो इनिशियल स्टार्टिंग थी ग्रीन हाउस बनाने की तब यूज़ किया जाता था ग्लास ग्रीन हाउस पर जनरली जो फार्मर्स हैं वो इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसमें लाइट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और इसके अलावा जो डिजीज़ का जो इंसेक्ट होता है डिजीज़ का जो अटैक होता है उसे बहुत अधिक मात्रा में कंट्रोल किया जा सकता है पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण जनरली फार्मर्स इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते सेकंड आता है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस प्लास्टिक फिल्म टाइप के ग्रीन हाउस को में जनरली जो प्लास्टिक फिल्म पॉलीथाइलिन पॉलीविनाइल क्लोराइड इन सबको यूज़ किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अडोप्टिव है फार्मर के लिए क्योंकि पर इसका एक मेन जो डिसएडवांटेज होता है वो यही होता है कि प्लास्टिक फिल्म टाइप के जो ग्रीन हाउसेज होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है ये बहुत ज्यादा दिनों तक या बहुत ज्यादा सालों तक नहीं चल पाती हैं एंड लास्ट आता है शेडिंग नेट्स जनरली जो नर्सरी वगैरह में आपने कॉमनली देखी होंगी जो शेडिंग नेट्स लगी रहती हैं ग्रीन कलर की नेट्स वो जनरली एक बहुत ही कम मात्रा में एनवारेंट को प्रोटेक्ट कर पाती हैं बाकी सारी प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस या ग्लास ग्रीन हाउस की तुलना हा। में पर फिर भी कुछ हद तक ये दो एक दो परसेंट या एक दो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहती हैं और ह्यूमिडिटी को बनाए रखती हैं तो शेडिंग नेट्स को भी जनरली नर्सरीज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है पर जो मोस्ट कॉमनली यूज हैं वो प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउसेज होते हैं